today that we discuss the third question which is asked in SSC CGL from the topic of ratio. Okay, the third question is A is greater than the 40% of B and B is less than 20% of C, then what is the ratio of A, ratio B, ratio C? Okay फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन CGL का है जो 2008 या 9 में पूछा हुआ है. ओके तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे. सॉल्यूशन, लेट C be X, okay, then B is equal to यहाँ से देखेंगे X into 80% या 80/100. ओके तो यहाँ से आपको निकल जाएगा 4x/5, ऐसे 4 या 5, 20 से कट जाएगा. एंड A is equal to 4x/5 into 140. ये ग्रेटर है तो यहाँ से निकल के 140, तो ये आपका हो जाएगा 4x/5 into 140 /100. तो यहाँ से आप काट लीजिए इसको 28 से और ये 25 से. ओके तो यहाँ से निकल गया आपका 28x 25. ओके नाउ so that A रेशियो B रेशियो C. ओके तो यहाँ से निकल जाएगा हम लोग का 28x यहाँ से बाई 25, 20x बाई 25, और यहाँ से निकल जाएगा आपको C का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से 25x बाई 25, ये कट जाएगा आपका सारा. तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका, यहाँ से निकल जाएगा आपका ये वाला, ये हो जाएगा आपका 28, 20 एंड 25. ये आंसर हो गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हम लोग देखेंगे जो CGL में पूछा हुआ है. If 0.75 रेशियो X एंड ये समानुपात है 5:8 का, देन द फाइंड X. ओके ये CGL में क्वेश्चन पूछा हुआ था ये. तो यहाँ से हम लोग इसको और इसको लेना है हम लोग. ओके तो यहाँ से कैसे हो जाएगा x क्रॉस 5 इज इक्वल टू 0.75 क्रॉस 8, 5x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा ये. सो दैट x इज इक्वल टू 6/5 इज इक्वल टू 1.2. ये 1 नंबर का क्वेश्चन था, 1 नंबर का क्वेश्चन था ये. ओके और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे. ये देखो कितना ईजी है, ऐसे होता है ना a/b इज इक्वल टू c/d. तो यहाँ से ये ऐसे a क्रॉस d इज इक्वल टू b क्रॉस c, इस पे ये यूज हुआ है क्वेश्चन. तो 1 नंबर में पूछा हुआ था ये. ओके आपको ये 30 सेकंड में सवाल सॉल्व करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का. नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 एंड 24 का तृतीय समानुपात क्या है. तृतीय समानुपात ये आपका LDC में पूछा हुआ था. तृतीय समानुपात है क्या है, तो इसको कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे ना. अभी बताया था A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, तो इसमें क्या था ए बाई डी इजकल टू बी बाई सी, ये कंसेप्ट यूज़ करना है इसमें। ओके, ये यूज़ करना है। कैसे करेंगे? 18:24 33 अनुपात निकालना है। ऐसे 24 इंटू एक्स, यहाँ से a इंटू डी, तो क्या हो जाएगा आपको? ये हो जाएगा 18x इजकल टू 24 इंटू 24। ओके, सो दैट x इजकल टू 24 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 18, ये क्या हो जाएगा? 3 6 3 जा एंड 8 6 4 जा, तो 32 आंसर हो गया। ये 32 ये हो गया, आंसर हो गया। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ₹675 को ए एंड बी में 5:4 में स्प्लिट करना है। स्प्लिट करें, ये सीजीएल का क्वेश्चन है। ओके, तो कैसे करेंगे? ये है तो ए का भाग कितना हो जाएगा? यहाँ से लेंगे ना 5/9, टोटल कितना है? 9 हो गया। यहाँ से ना 5:4, टोटल कितना है? 9, और ए का भाग क्या हो जाएगा? 5/9। रुपीज़ है 675। ओके, तो यहाँ सॉल्व कर लेंगे। 963 945 375 रुपीज़, ये हो गया। अब इससे में से का बी का भाग देखेंगे कैसे। 4/9 हो जाएगा। यहाँ से 4/9 क्रॉस 675, तो यहाँ से कटिंग कर देंगे। ये 65, तो यहाँ हो जाएगा आपका 300 रुपीज़। अब देखो 375 ये आपका 300 रुपीज़ हो गया। ओके ओके फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका ढेर सारा क्वेश्चन देखेंगे रेशियो का, और ये 5 से 6 वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा हम लोगों का। और जो भी CGL, LDC, MTS, MBBS, SSC जो भी क्वेश्चन आता है रेशियो का, तो आपको यहीं पे मिल जाएगा और इसी चैनल पे मिल जाएगा। इसको आप सब्सक्राइब एक बार जरूर कर लें फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।